हेलो मित्रों, तो आज हम बात करने वाले हैं ऐसी मूवी की जिसमें दो भाई बहन जो एक साथ न्यूड नहाते हैं, न्यूड खाते हैं और न्यूड ही सोते हैं, लेकिन एक दिन तीसरा लड़का इनके साथ आ जाता है। वो कैसे इनके साथ रहेगा और क्या क्या करेगा, आइए जानते हैं इस मूवी में। मूवी को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो बिना किसी बकचोदी का मूवी को स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में मैथ्यू नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो पढ़ाई करने के लिए अमेरिका से पेरिस आता है। मैथ्यू को हमारी तरह मूवी देखना बहुत पसंद है। एक दिन वो सड़क से जा रहा होता है तो उसे कुछ लोग मिलते हैं जो स्कैनरिप्शन हटाने की मांग कर रहे थे। मैथ्यू भी उन लोगों के साथ हो जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात इजाबेल से होती है। इजाबेल उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ पर अकेले हो? मैथ्यू बताता है कि वो अभी अमेरिका से आया है, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं है। यह सुनकर इजाबेल मैथ्यू को अपने भाई से मिलवाती है जिसका नाम थियो होता है। इसके बाद वो आपस में बातचीत करते हैं जिसके बाद वो दोस्त बन जाते हैं। ये लोग प्रदर्शन कर रहे थे तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और डंडे बजाना चालू कर देती है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। जब रात को यह लोग जा रहे होते हैं तो वो मूवीज़ की बात करने लगते हैं, जिससे मैथ्यू खुश हो रहा था कि उसके दोस्त बन गए हैं। घर जाने के बाद मैथ्यू अपनी मदर को लेटर लिखता है जिसमें वो अपने नए दोस्तों के बारे में बताता है। जब वो सुबह उठता है तो मैथ्यू का फ़ोन आता है। वो मैथ्यू को रात के डिनर के लिए इनवाइट करता है। मैथ्यू वहाँ जाता है तो इजाबेल मैथ्यू को अपने मोम डैड से मिलवाती है। इजाबेल के फादर एक पोएट होते हैं। डिनर करते टाइम उसके फादर मैथ्यू को बताते हैं कि पोएट में इंस्पिरेशन कैसे आता है, पर मैथ्यू का ध्यान कहीं और होता है जिसे देखकर उसके फादर गुस्सा हो जाते हैं। फिर मैथ्यू कहता है वो इस लाइटर को देख रहा था क्योंकि हमें और हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं उनमें एक सिमेट्री है। फिर वो कहता है जैसे एक वेलकम पोस्ट म्यूजिक बजता है उसी तरह इस लाइटर में भी एक ब्यूटीफुल हारमोनी है। मैथ्यू की इन बातों को सुनकर इजाबेल के फादर मैथ्यू से इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं आज के दौर में भी चीज़ों को इस तरह देखने वाले लोग मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद इजाबेल के मोम डैड वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि वो वहाँ नहीं रहते हैं, काम के कारण वो बाहर रहते हैं। अपने बच्चों के लिए वो एक चेक छोड़कर जाते हैं ताकि वो आराम से यहाँ पर रह सकें। रात को तीनों एक साथ बैठे होते हैं तभी इजाबेल मैथ्यू को किस करती है और आज रात मैथ्यू को रुकने के लिए बोलती है। मैथ्यू वहाँ रुक जाता है। जब मैथ्यू रात को टॉयलेट करने के लिए उठता है तो देखता है इजाबेल और थियो बिना कपड़ों के एक साथ लेटे हुए हैं। ये देखकर उसे बहुत अजीब लगता है। सुबह इजाबेल मैथ्यू के आइस पर किस करके उसे उठाती है। मैथ्यू कहता है ये सब तुम क्या कर रही हो? तो इजाबेल कहती है मैं थियो को रोज ऐसे ही उठाती हूँ। ये सब मैथ्यू को बहुत अजीब लगता है। इसके बाद इजाबेल और मैथ्यू बाथरूम में जाते हैं जहाँ थियो नंगा ही होता है। फिर वो मैथ्यू को बताते हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तो वो एक दूसरे की बॉडी से जुड़े ही थे, जिस वजह से वो एक दूसरे को अलग नहीं समझते थे और शर्म भी नहीं करते थे। थियो मैथ्यू से कहता है तुम अकेले ही रहते हो तो हमारे साथ रह लो, हमें कोई परेशानी नहीं है। मैथ्यू मान जाता है और उनके साथ शिफ्ट हो जाता है। एक दिन तीनों गेम खेलते हैं जिसमें एक आदमी मूवी का डायलॉग बोलेगा, दूसरे आदमी को सोचकर उसी मूवी का नाम बताना होगा। अगर वो नहीं बता पाया तो उसे डेयर दिया जाएगा। पहले थियो एक मूवी की एक्टिंग करके दिखाता है लेकिन मैथ्यू और इजाबेला को कुछ समझ नहीं आता। इस पर थियो ने एक चैलेंज देता है जिसमें उन दोनों को थियो के सामने गपागप करके दिखाना होगा। अब गेम के रूल के हिसाब से इजाबेला अपने सारे कपड़े उतार देती है। ये सब देखकर मैथ्यू बहुत शॉक हो जाता है और बाथरूम में चला जाता है। जब वो बाथरूम से बाहर आता है तो थियो उसे पकड़ लेता है। दोनों मिलकर उसके कपड़े उतार रहे होते हैं तो मैथ्यू के प्राइवेट पार्ट से इजाबेल की फ़ोटो मिलती है जो उसने छुपा रखी थी, जिसके बाद मैथ्यू इजाबेल के साथ खपागप करता है। यह इजाबेल का फर्स्ट टाइम होता है तो इजाबेल को बहुत दर्द होता है लेकिन उसे मैथ्यू का साथ अच्छा लगता है। मैथ्यू दूसरे राउंड के बाद इजाबेल से थियो और उसके बारे में पूछता है। वो पूछता है तुम लोग ऐसे कैसे रहते हो? तो इजाबेल कहती है हम एक दूसरे को अलग नहीं समझते और शर्म नहीं करते, मगर हमारे बीच कोई भी फिजिकल रिलेशनशिप नहीं है। इसके बाद मैथ्यू कहता है इन सब के बारे में मैं तुम्हारे पेरेंट्स को पता चल गया तो क्या होगा? इजाबेल कहती है अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो अपनी जान दे देंगे। कुछ दिनों बाद इजाबेल और थियो के पास जो पैसे होते हैं वो ख़त्म होने वाले थे क्योंकि वह बहुत अय्याशी और महंगी महंगी चीज़ें खाते और पीते थे।
पैसे खत्म होने की वजह से वो काम करने लगते हैं। एक दिन मैथ्यू और थियो नहा रहे होते हैं, तभी इसाबेल वहाँ आ जाती है और उनके साथ ही नहाने लगती है। इसी बीच इसाबेल मैथ्यू से पूछती है, तुम हम दोनों से प्यार करते हो, ये तुमको साबित करके दिखाना होगा। ये कहकर दोनों मैथ्यू के उल्लू की सेविंग करने लगती हैं, मगर मैथ्यू को ये सब अच्छा नहीं लगता। वो कहता है, तुम बच्चों जैसी हरकतें क्यों करते हो, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं है। और इसाबेल से कहता है, आज तक तुम्हारा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है, बस तुम अपने भाई के कहने पर सब कुछ करती हो। मैथ्यू के ऐसे बोलने पर इसाबेल उसकी गर्लफ्रेंड बन जाती है और उसके साथ डेट पर जाती है। दूसरी तरफ थियो भी एक लड़की को डेट करता है और घर लाकर उसके साथ गपागप करता है। लेकिन मैथ्यू और इसाबेल जब घर वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि थियो किसी लड़की के साथ है। उनकी आवाज़ सुनकर इसाबेल को काफ़ी बुरा लगता है और वो रोने लगती है। अगले सीन में थियो और मैथ्यू ड्रिंक कर रहे होते हैं और चल रहे रिवॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। मैथ्यू कहता है, अभी तुमको कुछ नहीं पता देश की हालत कैसी है, जब तुम बाहर जाओगे तब तुम्हें पता चलेगा। इसी बीच इसाबेल आकर उन्हें हॉल टेंट में ले जाती है और मैथ्यू को बताती है, जब वो छोटे थे तो इस टेंट पर न्यूड ही सोते थे, इसके बाद यह तीनों बिना कपड़ों के टेंट में सो जाते हैं। अगले दिन इसाबेल के मोम डैड वहाँ आते हैं, उन्हें नंगा सोते हुए देख हैरान हो जाते हैं, लेकिन बिना उन्हें उठाए चेक पर साइन करके वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इसाबेल उठती है और चेक देखते हैं, जिससे उसे पता चलता है कि उसके मोम डैड आए थे और उन्हें इसी हालत में देख लिया है। अपने मोम डैड के लिए इसाबेल बहुत गिल्टी फील करती है। अब वो अपने मोम डैड के सामने नहीं जा सकती थी, इसलिए वो सुसाइड के लिए फंदा तैयार कर रही होती है। लेकिन बाहर रिवॉल्यूशन चल रहा था, तभी उनका एक पत्थर खिड़की से अंदर आ जाता है, जिसकी वजह से मैथ्यू और थियो की नींद जाग जाती है, जो कि बाहर चल रहे रिवॉल्यूशन में शामिल हो जाते हैं। लेकिन थियो सबसे आगे जाकर पुलिस वालों को पत्थर मारने लगता है। तभी मैथ्यू उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनता। इसाबेल भी थियो का साथ देने लगती है, पर मैथ्यू उनका साथ नहीं दे सकता था, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद पुलिस फोर्स सभी पर लाठी बरसाने लगती है, यह देखकर सभी लोग भागने लगते हैं और यहीं पर यह मूवी ख़त्म हो जाती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर दोस्तों।